यस बैंक उन स्टॉक्स में से शामिल है जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे ज्यादा डुबाया है। यस बैंक ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद किया है जिन्होंने यस बैंक पर ट्रस्ट किया था। लेकिन अब यस बैंक में आगे क्या होने वाला है, यस बैंक को लेकर इंडिया रेटिंग ने BBB की रेटिंग दी है और यस बैंक के आउटलुक को जो है वो स्टेबल बताया है। तो यस बैंक का आगे क्या होने वाला है और ये जो रेटिंग मिली इंडिया रेटिंग से यस बैंक को BBB की वो आखिर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको डेली इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं यस बैंक के बारे में, यस बैंक आगे कैसा रहने वाला है, यस बैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो यस बैंक जो है वो इन्वेस्टर्स के गले की हड्डी बन चुका है। गले की हड्डी मतलब जिसे ना तो निकलने का मौका मिल रहा है और ना ही रखने का कोई फायदा नजर आ रहा है। 2019 के बाद यस बैंक के शेयरों की जो हालत हुई है उससे निवेशकों का पोर्टफोलियो जो है वो बेजार सा लग रहा है। बेजार का मतलब बेजान टाइप का लग रहा है। पिछले साल ही यस बैंक से जुड़ी अच्छी बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। अब खबर इसके रेटिंग से जुड़ी आई है। इंडिया रेटिंग्स ने यस बैंक के लॉन्ग टर्म इश्यूअर की रेटिंग BBB बनाकर रखी है। इस रेटिंग का मतलब है कि बैंक के पास इतनी पूंजी है कि वह बैलेंस शीट पर अपने बोझ को कम कर सकता है। इसके साथ ही बैंक का डिपॉजिट प्रोफाइल भी सुधर रहा है। यस बैंक का आउटलुक जो है वो स्टेबल है। यस बैंक का कॉमन इक्विटी Tier 1 फिस्कल ईयर 2022 की जून तिमाही में 11.6% था जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 13.6% था। बैंक के पास 6400 करोड़ रुपए का डेफर टैक्स एसेट्स है जिससे नेटवर्थ से घटाकर CET1 निकाला गया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है प्रोविजनिंग के लिए जिन एसेट्स का इस्तेमाल किया गया था उसे बेच दिया गया है या हटा दिया गया है। एजेंसी का मानना है कि डेफर टैक्स एसेट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे CET1 में इजाफा होगा। यस बैंक को अपने सबसे बड़े शेयर होल्डर SBI के साथ एसोसिएशन का भी फायदा मिलेगा। SBI को मार्च 2023 तक यस बैंक में मिनिमम 26% हिस्सेदारी बनाकर रखनी है। यह बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI का यस बैंक में फिलहाल 30% हिस्सेदारी है। फिस्कल ईयर 2022 में लोन रिकवरी से यस बैंक का प्रॉफिट बढ़ सकता है। फिस्कल ईयर 2021 में बैंकों को 3400 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इसकी वजह 12000 करोड़ रुपए का स्लिपेज था। फिस्कल ईयर 2022 की पहली तिमाही में यस बैंक का ग्रॉस NPA 67% से ज्यादा प्रोविजन बरकरार रखा था जबकि नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट पर 90% से ज्यादा प्रोविजनिंग किया। शुक्रवार को यस बैंक के शेयर 1.37% ऊपर 11.10 रुपए पर क्लोज हुए थे। तो ये थी यस बैंक को लेकर इंडिया रेटिंग्स की राय। इंडिया रेटिंग्स ने यस बैंक के आउटलुक को स्टेबल बताया। ये कोई मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये इंडिया रेटिंग्स का कहना है। इंडिया रेटिंग्स ने यस बैंक को लेकर ये कहा है कि यस बैंक का आउटलुक जो है वो स्टेबल नजर आ रहा है। तो होपली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।